हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे हरियाली मटन रेसिपी, बहुत ही इजी एंड झटपट। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस। ये हमने 250 ग्राम बोनलेस मटन ले लिया है, आप चाहे तो विथ बोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो प्याज ले ली है जिसे इस तरह से चॉप्ड कर लिया है। तीन हरी इलायची, 5 लौंग, 10 से 12 काली मिरी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 स्टारफुल, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और नमक एज़ पर टेस्ट, 10 से 12 लहसुन की कली, 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा कट किया हुआ, 1/2 कप पुदीना और 1 कप हरा धनिया। इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ता लीव्स और 1/2 कप दही। अब सबसे पहले हम एक कुकर को गर्म कर लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब हम उसमें प्याज ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए, हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। हमने अच्छी तरह से इसे पका लिया है 2 मिनट। अब हम इसमें तमाम खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिरी, जो भी हमने साबुत गरम मसाले यूज़ किए हैं वो तमाम ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का, वो ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर और नमक भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारा मसाला है वो भी पूरी तरह से भुन जाए। हमने इसे पका लिया है 3 मिनट तक। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अब कुकर की लीड को हम बंद कर लेंगे और लगभग 3 विसल बजने देंगे फास्ट फ्लेम पर और 1 विसल मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, हमने इसमें 4 विसल बजा लिया है। और हमारा जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पानी है हम उसे भी फास्ट फ्लेम पर सुखा लेंगे। और ये देखिए, हमने तेल छूटने तक इसे भून लिया है फास्ट फ्लेम पर। अब हम इसमें वेल बीटन दही ऐड कर लेंगे। अच्छे से बीट कर लिया है हमने दही को, वो ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और लगभग हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे।
देखिए हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और हमारा हरियाली मटन रेसिपी बहुत ही इजी कुकर में रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसे तंदूरी रोटी, नान या फिर पराठा के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।